हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है मुगल काल, थोड़ा लंबा टॉपिक है, 200 से अधिक प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन में हम लोग 111 प्रश्नों को कवर करेंगे और शेष जो प्रश्न रह जाएंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट टू में हम लोग उनको कवर कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज को तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो घंटे का निशान दिख रहा है बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो सबसे पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लीजिए। बाबर जो था यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फरगना में इसका जन्म 1483 को हुआ था। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज था और मातृवंश की ओर से यह चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, इसके माता और पिता का नाम भी पूछा जाता है। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का जो नाम था ये कुतलुग निगार था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुतलुग निगार, ध्यान रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, बाबर जो था मात्र 11 वर्ष की आयु में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11 वर्ष की आयु में मात्र 1494 ईस्वी में यह जो था फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कब किया था पादशाह की उपाधि धारण, तो 1507। बाबर ने भारत में टोटल 5 बार आक्रमण किया था। पूछा जाता है कि कितने बार, तो 5 बार आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण जो था 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध था और इस दरमियान इसने बाजौर और भेरा को जीता और फिर वापस चला गया। बाबर जो है खैबर दर्रे से होकर के आया था। पूछा जाता है किस दर्रे से, तो खैबर दर्रे से होकर के यह आया था। क्लियर है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीत गया और भारत में इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी युद्ध में तुगलकमा युद्ध नीति और तोपखाने का इसने प्रयोग किया था। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी, तो बाबर को दी गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बाबर जो था इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था, किस भाषा में, तुर्की भाषा में, और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को, ध्यान रखेंगे 1530 को, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के आखिरी शासक किसको, इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरे डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध जो था यह कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, तो तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है और तोपखाने का प्रयोग इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पानीपत के प्रथम युद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी, तो ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो अकबर ने गुजरात विजय के अभियान जो था इसके यादगार में जो है इसने किसका निर्माण करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद देखिए आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी,
तो फ्रेंड्स यह जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो दूसरी लड़ाई जो थी पानीपत की, यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इस युद्ध में अकबर जीत गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही जो धर्म था यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। कब, तो यह किया गया था 1582 ईस्वी में। कब किया गया था, 1582 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो चांद बीबी जो थी यह संबंधित थी अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कौन थी, तो ये चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, अकबर ने किया था, और इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन जो थे ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे, तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर जियाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल काल की राजभाषा जो थी ये फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फारसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और इससे पहले जितने भी हम लोगों ने लूसेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो ये मुगल सम्राट अकबर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन था, अकबर था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो मैंने बताया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरम उत्कर्ष प्राप्त किया। तो चित्रकारी किसके समय में किया था फ्रेंड्स, तो ये किया था जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, चलिए, और जहांगीर के दरबार के कुछ चित्रकार हैं, उनका नाम आप याद रखेंगे, आगा राजा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आगा राजा, दो तीन चित्रकार हैं। पूछा जाता है कि किसके खास काल से संबंधित है, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप विशन दास, उस्ताद मंसूर और विशन दास का भी नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवन कथा जो है यह किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ध्यान रखेंगे किसने लिखा था, अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग शेर शाह के बारे में जानिए। देखिए, सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था ये कौन था, शेर शाह था। शेर शाह का बचपन का नाम पूछा जाता है फरीद खां। क्या था, फरीद खां था। इसका मकबरा पूछा जाता है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में। रोहतासगढ़ का किला, किलाए कुहना, जो कि दिल्ली में है, ये मस्जिद है, इसका निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, ठीक है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये दो युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेर शाह जीत गया था। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था, कन्नौज के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसमें भी
शेर शाह जीत गया और आसानी से इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को भारत छोड़ करके बाहर भागना पड़ा था। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, किसने लिखा है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर की, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदाउनी ने किया था और इसको जाना जाता है रजनामा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको, इसको जाना जाता है रजनामा के नाम से। रजनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है। चलिए किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। सैयद भाइयों के बारे में आपने सुना होगा फ्रेंड्स, देखिए ये सैयद भाई कौन थे, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था, दो भाई थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ठीक है। इनको जो है सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था और इन्हें जो है मुगलकालीन इतिहास में शासक निर्माता के नाम के रूप में इसे जाना जाता है इन्हें। तो राइट आंसर इसका 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह ने, ठीक है मोहम्मद शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था यह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था या फिर इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो राजस्व मंत्री कौन थे अकबर के, टोडरमल थे। कौन थे, टोडरमल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन थे, टोडरमल थे, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम था वो क्या था, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना था, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इबादत खाना था, क्लियर। चलिए इसका निर्माण, इबादत खाना का निर्माण जो है किसने करवाया था पूछा जाता है, तो ये करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसिंह और बैजू बाबरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे। तो ये अकबर के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन का नाम पूछा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स तानसेन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था, ठीक है। तानसेन का नाम क्या था, इनका असली नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, बीरबल का भी नाम पूछा जाता है महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, किसके समकालीन थे, ये भी पूछा जाता है, तो ये अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नाम कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, इसकी उपाधि धारण की थी, तो खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे खानवा का जो युद्ध है यह 1527 में हुआ था, किसके बीच, तो राणा संगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था तुर्की भाषा में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बाद में फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। उसके बाद देखिए बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो बाबर जो था ये फरगना का शासक था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो है आमंत्रित किसने किया था, तो राइट आंसर जो है इसमें पूछा गया कि कौन शामिल नहीं था, ठीक है, तो इसमें शामिल कौन नहीं था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। तो सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है ये खानवा का युद्ध माना जाता है। कब हुआ था खानवा के, 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा सूची को मिलान करना है, एक तरफ जो है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और दूसरी तरफ जो है किनके खिलाफ लड़ा था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर जीत गया, सभी युद्ध में बाबर जीत गया, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में राणा संगा का, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध जो था या अफगानों के विरुद्ध था इसमें भी बाबर जीत गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली जो है किसने हस्तांतरित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था
शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसने किया था? शाहजहां ने किया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो आपको पता है बैरम खां थे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह को किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ईरान का जो शासक था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और इसने आक्रमण किया था भारत में। उस समय जो था मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, और इसने जो है अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर किला को लेकर के ईरान चला गया था। पूछा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया है कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नौज। उसके बाद देखिए, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो यह निर्माण की परंपरा की शुरुआत बाबर ने किया था, चार बाग आपने सुना होगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इसमें से आत्मकथा जो है ये तुजुके बाबरी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हुमायूं नामा जो है या दूसरे लोगों ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, अकबर नामा भी अबुल फजल ने लिखा है, तुजुके बाबरी बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा है, ठीक है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हुमायूं नामा जो है इसके लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम है, तो ये गलत है, तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि जो दी गई थी ये महेश दास को दी गई थी। मैंने बताया था ना कि इनका असली नाम क्या था? महेश दास था, ठीक है। क्या नाम था इनका असली नाम? महेश दास था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण जो है नहीं करवाया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल शासक को दो बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका दो बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था औरंगजेब का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब का दो बार जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए इसका जो है जल्दी जल्दी में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, और 31 जुलाई 1658 को, ठीक है, 1658 को इसने जो है अपना राज्याभिषेक जल्दीबाजी में कराया था, क्योंकि उस समय सत्ता के लेकर के काफ़ी संघर्ष चल रहा था, ठीक है। और 1569 में औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1969 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। 1658 में पहली बार और 1659 में दूसरी बार इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्रैंड ट्रक सड़क जो है ये जोड़ती है, यह जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर की, वह 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोदी वंश का आखिरी शासक था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है। अभी मैंने बताया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से आप सुन लीजिएगा। देखिए अकबर का जो है जन्म याद रखेंगे 1542 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हमीदा बानू बेगम इनकी माता का नाम था, क्लियर। पिता का नाम आपको पता है, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम हुमायूं था, ठीक है फ्रेंड्स। और अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलानौर में हुआ था, पंजाब के कलानौर में, ठीक है, ये पूछा जाता है पंजाब के कलानौर में। तो इसमें पूछा गया कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का, ठीक है, कलानौर में हुआ था, क्लियर। चलिए बैरम का इसके संरक्षक थे, 1556 से लेकर के 60 तक ये संरक्षक रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल को जो है ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 47 की गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, इसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। खुसरो की सहायता करने के कारण, किसकी सहायता? खुसरो की, जो कि जहांगीर का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, इसी की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, इनको फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? समर्पण किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है?
तो देखिए फ्रेंड्स, आलमगीर और जिंदा पीर ये दोनों नाम याद रखेंगे। ये कहा जाता है आलमगीर के नाम से भी और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, जरी कलम और सीरी कलम, ठीक है, याद रखेंगे जरी कलम और सीरी कलम ये दोनों पूछा जाता है। तो देखिए, जरी कलम की उपाधि दी गई थी किसको, ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सीरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो याद रखेंगे सीरी कलम की उपाधि जो है ये दी गई थी किसको, तो इम्पोर्टेंट है सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी। किसको, अब्दुल समद को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो फ्रेंड्स ये किया था पंजाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था 1576 में। किसके बीच लड़ा हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है फ्रेंड्स यह 1576 में हुआ था मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह और आसफ खान कर रहे थे, मान सिंह और आसफ खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा, तो फैजी जो है यह रहते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था किसके समय में, शेर शाह के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुबाई को पराजित किया, तो चौसा और मैंने बताया था आपको चौसा के युद्ध और बिलग्राम का युद्ध जिसको कि कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है शेर शाह ने किसको पराजित किया था, हुमायूं को। हुमायूं को किसने पराजित किया था, शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने कवर किया था हुमायूं का मकबरा, माफ़ कीजिएगा, अभी शेर शाह का मकबरा हमने कवर किया था सासाराम में। हुमायूं का मकबरा जो है यह कहाँ है, ट्रिक से मैंने वीडियो बनाया, जितने भी मुगल शासक के मकबरे हैं एक बार आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है, देखिए यहाँ हुमायूं में माँ शब्द पकड़िए, माँ, तो माँ का सबसे जो है दिल बहुत दरिया दिल होता है, माँ का दिल ऐसा है ना, माँ आएगा तो माँ का दिल, दिल से दिल्ली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। इसी प्रकार ट्रिक से हमने कवर किया है, देख लीजिएगा उस वीडियो को। किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हुमायूं 1540 ईस्वी में जब शेरशाह ने इसको पराजित किया था बिलग्राम की युद्ध में, तो ये भारत छोड़कर भाग गया था और पुनः जो है यह दोबारा जो है 15 वर्ष तक घूमा और फिर आक्रमण किया था और 1555 में इसने जो सिकंदर सूरी था उसको पराजित किया और पुनः दिल्ली की गड्डी पर 1555 में बैठ गया, ठीक है। दो बार इसने आक्रमण शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, तो बीबी का मकबरा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है, औरंगाबाद में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया है, तो ये किसने करवाया है, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो पहले जो है दफनाया गया था किसको, बाबर को, उसको आगरा में दफनाया गया था लेकिन बाद में उसको कहाँ दफनाया गया, काबुल में, ठीक है। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है, तो ये कहा गया है बाबर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 62 नंबर की, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया, यह शासक कौन था, सीधी से बात है बाबर था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना हुई, तो फ्रेंड्स यह बिलग्राम का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1540 में, ध्यान रखेंगे 1540 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था, तो अकबर के समकालीन इसमें से रानी दुर्गावती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी दुर्गावती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो मोती मस्जिद इसने जो है कहाँ करवाया था, शाहजहां ने आगरा में करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली के लाल किले में या औरंगजेब ने करवाया था, तो इस तरह से प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था, जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था और पुनः जो है औरंगजेब ने इसको लगाया था, ठीक है। पुनः किसने चालू किया, पुनः जो है औरंगजेब ने इसको जो है जजिया कर को दोबारा चालू कर दिया, कब, तो 1679 में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था, इसका कार्य जो होता था वो होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में को सत्तांतरित किया,
तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के समय। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि पुनः जो है यह 1555 में जो है आक्रमण किया और जीत गया और पुनः दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो राइट आंसर इसका 73 का ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद की युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो है इसी में इसको सफलता मिली थी और पुनः यह दिल्ली पर फिर से जो है अपना शासन स्थापित किया। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स यह हुमायूं की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन पर्यंत ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसने अपने जीवन का अंत किया? तो यह शासक था हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि मुहतसिब क्या होता था? तो मुगल सम्राट में मुहतसिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मददे मास, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मददे मास जो था ये होता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि, राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर की दास्तानें अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पहले हजरत आला और सुल्तान की उपाधि, बाद में शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसे जो है नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुबैयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो जिहाद का जो अर्थ था ये था दार उल इस्लाम। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद देख लीजिए कि हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो सबसे पहले जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो दौरा, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम, और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईएल श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है ये शेर शाह ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, मयूर सिंहासन जिसको कि तख्ते ताऊस कहा जाता है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? पहला पूछे तो शाहजहां के कुछ ने निर्माण करवाया था और अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। उसके बाद नादिर शाह जब आक्रमण किया तो यह मोहम्मद शाह रंगीला से तख्ते ताऊस छीन लिया और कोहिनूर हीरा भी छीन करके वापस ईरान लेकर चला गया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इसका सैन्य कुशलता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है यह उपज थी शेरशाह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जब्ती प्रणाली पट्टा प्रथा, कबूलियत प्रथा, इसकी शुरुआत किसने किया था? शेरशाह ने। जवाबित का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स ये जवाबित जो था 90 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ जो थी इसका मेन कारण था कंधार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो था ये अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर, मैंने बताया था जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह जो है कौन सा? पंचमहल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर में है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम जो था अकबर शाह द्वितीय था। क्या था फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 96 कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह जो था वह कछवाहों से था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर देखिए कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो फ्रेंड्स वे जो थे बीजापुर और गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता था? तो औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था, तो नौरोज का त्यौहार मुगलों ने लिया था पारसियों से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है ये रबिया उत दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना के सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सबसे अधिक सेनापति जो थे ये औरंगजेब के समय हिंदू सेनापति थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिस्थापित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है अबुल फजल ने। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनवार सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो फ्रेंड्स यह जो अनुवाद है पंचतंत्र का है, याद रखेंगे पंचतंत्र का नाम क्या है, अनुवाद भी किया गया है तो अनवार सुहैली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर उस्ताद मंसूर थे, ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए 105 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो सुलह कुल जो थी ये आधारित थी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी, ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी ठीक है, और हुमायूं की सौतेली बहन थी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स जिले को जाना जाता था किस नाम से? सरकार के नाम से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खाली स्थान है नाम रखा था? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कमेंट करके बताइएगा। और 1 से 11 के बाद 112 से लेकर के लास्ट 219 तक के प्रश्न और शेष हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।